बाड़मेर बालोतरा के कई इलाकों में आज धूमधाम और गाजे बाजे के साथ नाचते हुए भजन गाते हुए भक्तों द्वारा गणपति का विसर्जन किया गया और बप्पा को अगले बरस आने का वादा करते हुए भक्तों ने गणेश भगवान को विदाई दी। समदड़ी की लूणी नदी के तट पर भी आज भक्तों का हुजूम देखने को मिला, जहां धूमधाम से गाजे बाजे से नाचते गाते श्रद्धालु पहुंचे और अलग अलग जगहों पर ग्रामीणों द्वारा गणेश विसर्जन किया गया। जलजूर्णी एकादशी है, उसके दिन देवी देवताओं का विशेष पूजन किया जाता है। जलजूर्णी एकादशी का महत्व बहुत ही अद्भुत है। इस दिन गजानन जी का भी विसर्जन होता है। कुछ दिनों तक गणपति यहाँ विराजमान होते हैं, उसके बाद में सारे गांव वाले सम्मिलित होकर डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए मरुभूगा लूणी नदी में पहुँचते हैं और यहाँ गणपति का विसर्जन करते हैं। अभी गणपति का विसर्जन हुआ है, कुछ यहाँ पे गणपति के भक्त मौजूद है जिन्होंने विसर्जन किया, उनसे पूछते हैं कि इस तरह के जो गणपति का जो आयोजन हुआ उसमें किस तरीके से रहा और कितना इस बार हर्षोल्लास से मनाया गया है, जी बताइए। पहले तो सभी को गणपति महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं और जलजूलनी एकादशी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बापा मौर्या, गणपति विसर्जन भी महत्वपूर्ण है, ये हमारे धर्म को जोड़े रखता है। करीबन 5-7 दिन ये महोत्सव चलता है। गणेश चतुर्थी को हम मूर्ति स्थापना करते हैं और जो भी भक्त हैं इनकी पूजा पाठ करते हैं। और आज जो समदड़ी में ये है, कहीं भी पहले 1300 करते हैं, कहीं 1400 करते हैं, समदड़ी में एकादशी को किया जाता है। तो लूणी नदी इस बार आई हुई है तो पानी खूब है और क्षेत्र के लिए समृद्धि लाई हुई है, तो हमने यहाँ पे गणपति महोत्सव पूर्ण करके आज विसर्जन किया है। मेरी सबसे यही शुभकामना है कि गणपति महोत्सव की हार्दिक शुभकामना। सर गणपति बापा, सबने अपनी अपनी मन्नत मांगी, इस बार आपने क्या मन्नत मांगी? हमने तो पूरे गांव की खुशहाली के लिए मन्नत मांगी है कि शांति बनाए रखे। अभी ये जैसा कि ये सब गणपति के भक्त थे, हर्षोल्लास के साथ इन्होंने गणपति का विसर्जन किया और अपनी मन इच्छा फल मांगा है। उम्मीद है कि इस बार गजानन जी मेहरबान होंगे और इनकी मन इच्छा पूर्ण होगी। वहीं बालोतरा में भी गणपति विसर्जन के लिए जनसमूह उमड़ा। बालोतरा में सनातन धर्म समिति द्वारा शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के विभिन्न वार्डों से गणपति प्रतिमाएं शामिल हुई। लूणी नदी में मूर्तियों के विसर्जन को लेकर पौंड बनाया गया, जिसमें सभी गणपति मूर्तियों का विसर्जन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी बंधु मौजूद रहे और गणपति बप्पा मौर्या अगले बरस तू जल्दी आ नारों के साथ मूर्ति का विसर्जन किया गया। कल्याणपुर के सरवड़ी पुरोहितान में भी धूमधाम से गणपति वंदना और आरती कर विसर्जन किया गया। गांव के युवाओं ने नाचते हुए गणपति बप्पा मौर्या का जाप करते हुए विसर्जन किया। वहीं मौजूद रहे अर्जुन सिंह, श्रवण सिंह, हनुमान सिंह, गुलाब सिंह व सभी ग्रामीणों की मौजूदगी में गणपति बप्पा का विसर्जन हुआ।